शख्स रुख के बाद कनाडा की हेकड़ी धराशायी हो गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत को कुछ दिन से तेवर दिखा रहे थे, लेकिन भारत के कड़े फैसलों के बाद नरम पड़ गए हैं। दरअसल कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों को भारत ने अनर्गल बताकर सिरे से खारिज कर दिया था। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगने के बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार पड़ गई थी, जिसके बाद से ही भारत ने कनाडा के खिलाफ कड़े रुख से ये संदेश दे दिया था कि भारत अब किसी के गीदड़ भभकी से नहीं डरता है, जिसके बाद से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नरम पड़ गए हैं। मॉन्ट्रियल में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ट्रूडो ने कहा कि उन्हें लगता है कि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि कनाडा और उसके सहयोगी विश्व मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए उसके साथ रचनात्मक और गंभीरता से जुड़ते रहे। उन्होंने कहा कि कनाडा भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। ट्रूडो ने इसके साथ ही कहा कि विश्वसनीय आरोपों के बावजूद भी भारत सरकार पिछले जून में ब्रिटिश कोलंबिया में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल था। कनाडा अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रूडो ने आगे कहा, भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक ताकत है, और जैसा कि हमने पिछले साल अपनी अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति प्रस्तुत की थी, हम भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर बहुत गंभीर हैं। वहीं जाहिर तौर पर कानून के शासन वाले देश के रूप में हमें इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि भारत को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे कनाडा के साथ काम करने की जरूरत है, ताकि हमें इस मामले के पूरे तथ्य मिलें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।